हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अबी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेन साइंस की बुक का चैप्टर थ्री मेडल्स एंड नॉन मेडल्स के एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखेंगे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे एक है चीज़ एक एलिमेंट है या एक कॉम्पाउंड है वो दूसरे को रिप्लेस कर रहा है जैसे कि यहाँ पे एन सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल तो एन है प्लस कॉपर है क्या इसमें जो है रिएक्शन होगा सिंपल सी बात है ना देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ना अगर डिस्प्लेसमेंट होना है तो जो मेटल अलग है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए जो कॉम्पाउंड के साथ है उससे इसके लिए हम लोगों को ना रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना ज़रूरी है तो जो डिस्प्लेसमेंट uh, होगी वो डी वाले में होगी ए और कॉपर क्योंकि कॉपर ए से ज़्यादा रिएक्टिव है एन और कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होगा इन तीनों का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा मेटल हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिप्लेज डिसप्लेज द मेटल लोअर इन सीरीज़। तो जो सीरीज होती है ना इलेक्ट्रोकेमिकल uh, एक मतलब पूरी सीरीज होती है एक में किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा कम इस तरीके से पूरा होता है रिएक्टिविटी सीरीज में तो उसमें जो हम उसे याद करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से तो ए जी एन ओ थ्री ए जी जो यानी कि सिल्वर जो है ना वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है इसलिए अगर ए जी एन ओ थ्री की रिएक्शन कॉपर से होगी ना तो ए जी हट जाएगा और सी यू एन ओ थ्री बन जाएगा और ए जी अलग हो जाएगा दिस रिएक्शन हैपन्स ये रिएक्शन होगी क्योंकि कॉपर इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज सिल्वर इफ द फ्री मेटल इज बिलो द मेटल बॉन्डेड टू द एनायन द रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड वेन कॉपर इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट द कॉपर डिजोल्व टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग एक आयरन फ्राइंग पैन है उसको आपको रस्टिंग से बचाना है तो इस पर आप लोग क्या करेंगे ग्रीस पेंट नहीं उस पर आप लोग इसकी जिंक की कोटिंग करेंगे क्यों बाई गेलविलाईजेशन अप्लाइंग कोटिंग और जिंक एक तो ये भी याद करना है कि गलवेनाइजेशन क्या होता है गल्वेनाइजेशन होता है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग एंड इट रिमेंस अनकोरोडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम तो इस पर क्रोजन नहीं होगा बहुत लंबे समय तक अगर हम उस पर क्या कर देंगे जिंक की कोटिंग कर देंगे ग्रीस एंड पेंट ऑल्सो प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग हाउवर वी कैन नॉट यूज दैम ऑन आयरन फ्राइंग पैन बिकॉज पैन इज हीटेड एंड वॉश रिपीटेडली द कोटिंग ऑफ ग्रीस एंड पेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड क्योंकि आयरन पैन है अगर यानी कि आप अगर उसमें बार 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 कुछ कुछ खाना वगैरह बनाएंगे तो वो धुलेगा भी तो जो उसका पेंट वगैरह वो सब तो हट जाएगा ग्रीस हट जाएगा अगर जो जिंक की कोटिंग है ना वो जल्दी से नहीं हटती है वो लगी रहती है इसलिए अगर कोई खाने का फ्राइंग पैन है और अगर वो लोहे का है तो उस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं क्वेश्चन थ्री है एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर तो क्या है ये compound? ये कंपाउंड कंपाउंड है कैल्शियम एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक्मिक रिएक्शन देता है तो सी ए ओ टू के साथ रिएक्ट करेगा सी ए ओ बन जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका मतलब ज्यादा गर्म करने पर ही मेल्ट होगा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सी ए ओ एच का होल ट्वाइस फिर ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा ये एलिमेंट क्या है ये एलिमेंट है कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सी ओ बनता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है सी ओ एच का होल ट्वाइस बन जाता है और पानी में घुलता है तो कैल्शियम है ये वाला क्वेश्चन में जो पूछा गया है फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक कोटिंग करते हैं जिंक कोटिंग नहीं करते हैं? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव टेन फूड कैंस आर कोटेड विथ टेन एंड नॉट इज मोर रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव जो चीज होगी वो फिर खाने के साथ भी तो रिएक्ट कर लेगी और फिर कुछ ना कुछ पॉइजनस बन जाएगा इसलिए टिन की कहने होती हैं ना कि जिंक की क्योंकि टिन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता यू आर की बन हैमर बैटरी अ बल्ब वायर्स एंड अ स्विच आपको एक हथौड़ा दिया है एक बैटरी दी है एक बल्ब दिया है कुछ वायर दिए हैं स्विच दिया हाउ कुड यू यूज दम टू डिस्टिंगविश बिटवीन सैम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इनको आप मेटल नॉन मेटल को अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करोगे तो विद अ हैमर वी कैन बीट द सैम्पल इफ इट कैन बी बीटन इं टू थिन शीट्स मेलिएबल एंड इट इज अ मैटल इफ नॉट इट इज अ नॉन मैटल तो हम लोग हैमर हथौड़े से पीट के देखेंगे अगर वो शीट्स में अलग अलग शीट्स में बट गया तो मतलब वो क्या है मेटल है और अगर नॉन मेटल है तो वो अलग अलग शीट में नहीं बटेगा अस इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो इनका मेटल और नॉन मेटल में अंतर करने के लिए हम लोग कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं वी कैन यूज़ बैटरी वर् वायर स्विच टू सेटअप सर्किट एक सर्किट बना सकते तो हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ द सैंपल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अगर जो भी सैंपल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो मेटल है देन इट इज़ अ मेटल इफ नॉट इट इज अ नॉन मेटल सिंस मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव दे आर हैंस पैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो भाई कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तभी वो मेटल होगा अदरवाइज वो मेटल नहीं होगा मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाएगी अदरवाइज प्लास्टिक में आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी मारते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा कंडक्टर नहीं है ना वो नहीं वो मेटल है अबब टेस्ट आर यूजफुल एंड डिस्टिंगशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल मेटल्स आर दीज मेटल एज दीज आर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नो केमिकल रिएक्शंस आर इवाल्वड इंड दीज टेस्ट तो मेटल्स को आप फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ मैटल या फिर नॉन मेटल है तो so, आप सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पास करके या फिर उनको हथौड़ा से पीट करके भी बता सकते हैं नेक्स्ट है वट आर एम फोट्रिक ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है बोर्ड में कई बार आया है ये गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड तो एग्जाम्पल याद रख लो भाई ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होती है दोज ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोज एसिडिक एंड बेसिक और दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं एसिडिक भी हैं बेसिक भी हैं एलुमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड तो ये होती है एम्फोट्रिक ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एसिडिक नेचर ZnO ओ रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग क्लोराइड इन वाटर ZnO ओ प्लस एस सी एल जेडन सी एल टू प्लस एच टू ओ एसिडिक नेचर बेसिक नेचर कैसा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भाई बेसिक नेचर शो करने लगेंगे तो एसिडिक नेचर भी होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स का और बेसिक भी होता है तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम जो है एन ओ एच के साथ रिएक्ट करिए तो इस तरीके से ये हमें रिएक्शंस आ जाती हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू मेटल्स विच विल डिस हाइड्रोजन फ्राम डायल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट तो मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन

और ये वाले अगर आप देखना चाहें ना तो इनके रिएक्शंस जो हैं किस तरीके से हुए हैं तो देखो ZnO और टू में से पहले वाला क्वेश्चन समझा रही हूँ मैंने रिएक्शन नहीं समझाई थी ना ZnO एन प्लस टू तो जेड एन के साथ जुड़ जाएगा जेड एन सी और एच हो जाएगा ZnO एन प्लस टू एन फिर से देखो ये देखो Zn है ये Na के साथ जुड़ जा रहा है और एच टू रिलीज़ हो रहा है और एम्फोट्रिक एल्युमिनियम ऑक्साइड भी ऐसे करेगा कि एन ए हो जाएगा देखो Na फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ट्वाइस ऑफ़ ही अलग हो जाएगा ए एल ओ एच और ए एल ओ एच का होल फोर आ जाएगा और यहाँ पे ए एल सी एस सी एल है तो ये ए एल ट्वाइस ए एल सी एल ही बन जाएगा और सिक्स सी एल इधर निकल जाएगा और एस टू इधर हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग को ना कुछ कुछ देखो चीज़ें आप भी करनी पड़ेंगी तभी आपको बनाना भी सीखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम वट वुड यू टेक एज एनोड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट तो आप रिफाइनिंग कर रहे हैं मेटल की तो आप एनोड कैथोज इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है इट इज़ अ मेथड टू गेन प्योर मेटल फ्रॉम इम मेटल दैट हैज़ बीन ऑप्टेंड थ्रू अ रिडक्शन प्रोसेस तो रिडक्शन का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है प्योर मेटल से मतलब इम्प्योर मेटल में से हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं रिडक्शन के प्रोसेस से इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम सच एज जेड एन एन आई ए जी एस एन ए यू एनोड जो होगा वो इमप्योर मेटल का होगा कैथोड जो होगा वो प्योर मेटल का होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल एम मेटल एम का सॉल्यूशन हो जाएगा एनोड पे जो है ना याद रखना इम्प्योर मेटल होती है उसी चीज़ की जिसको हमें प्योर करना है और जिस कैथोड पे प्योर मेटल होती है कैथोड पे जो होती है वो प्योर मेटल होती है ठीक है और एनोड पे इम्प्योर मेटल क्वेश्चन नाइन देखो प्रत्युष्टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैट्यूला एन हीटेड उसने स्पैटुला पे लिया पाउडर सल्फर का हीट करना शुरू कर दिया ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट उसके बाद उसने टेस्ट ट्यूब उल्टी करी और उसमें गैस जो भी रिलीज हुई वो ले ली वट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर जो गैस ली है वो ड्राई लिटमस पेपर पर क्या करेगी तो वैन सल्फर पाउडर ऑन अ स्पेटूला इज हीटेड एसो टू विल फॉर्म तो एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड जो है एस प्लस ओ टू क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो एस ओ टू ड्राई लिटमस पेपर पर इसका कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं होगा मॉइस्ट लिटमस पेपर पर क्या होगा सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड इट्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड टर्न कर देगी ब्लू को रेड में क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होगी सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस एसिड तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगी सल्फर डाइऑक्साइड बट जब मॉइस्ट होगा मतलब मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करेगी ना सल्फर डाइऑक्साइड तो वो सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमको लिखनी है तो एस ओ टू प्लस एच टू ओ इट विल गिव एच टू एस ओ थ्री सल्फ्यूरस एसिड एच टू एस ओ थ्री सल्फ्यूरस एसिड ये बना लेगी नेक्स्ट और ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देगी फिर इसके बाद ये है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ठीक है तो इसमें हो जाएगा स्टेट टू वेज ये अब आगे के क्वेश्चन ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थैंक यू